दोस्तों आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके भाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं खैर। खैर का ये वृक्ष जिसका रहीम जी के दोहों में भी वर्णन देखने को सुनने को मिलता है। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीति मदपान, रहीम ने दावे ना दबे जानत सकल जहान। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि दुनिया की खैर जिसको कत्थे का दाग भी कहते हैं और ये खून खांसी खुशी दूसरा प्रेम शराब का नशा ये चीजें न दबाने से दबती है और न ही छुपाने से छुपती हैं। अर्थात खैर जिसकी खुशबू पूरे जंगल में ऐसे महकती है और इसे दूर दूर से भी पहचाना जा सकता है कि इस पूरे जंगल में खैर का पेड़ कौन सा है। यही है वो खैर जिसके अभी बीज आ चुके हैं और जगह जगह ये हवा के साथ और साथ ही साथ बकरियों के माध्यम से दूर दूर तक फैल रहे हैं और ये खैर जगह जगह उगता जा रहा है। साथ ही साथ देखें इसकी छोटी छोटी पत्तियां हैं जो कि आर्द्रता को ग्रहण कर लेती हैं और अपने आप को जीवित रखती हैं। यह स्वाद में कसैला होता है, दांतों को मजबूत करता है। इसकी जो तासीर है वो बहुत ही ठंडी होती है, यह ताकतवर होती है, भूख को जगाने का काम करती है। ग्रहणियों को जापे के समय अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है उस समय इसके लड्डू बना करके दिए जाते हैं जो कि बहुत ही लाभकारी और बलदायक होते हैं। साथ ही साथ ये जो खैर है उसमें आप देखेंगे कि यह जंगलों में आसानी से उग जाता है और इनमें गोंद आना शुरू होता है। ये जो गोंद है वो इसके लड्डू बनाने के लिए काम में आता है जो कि जून के महीने में आना शुरू हो जाता है और यह पसारी की दुकान पर आसानी से मिलता है और यह सर्दियों तक लड्डुओं में बहुत हद तक लोग इसको काम में लेते हैं। इस तरह एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी यह बहुत ही लाभकारी है। आप सभी ने इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुना और साथियों इस वीडियो को बनाने के पीछे भी हमारा उद्देश्य यही है कि आपको सत्य और निष्ठापरक जानकारी प्रदान करना। बहुत बहुत धन्यवाद।